हाय टू ऑल गाइस, आपका भाई फिर से आ गया एक नए बायोग्राफी के साथ। आपने देखा होगा कि दुनिया में अलग अलग कई प्रकार के महान लोग हुए हैं। उनमें से एक महान व्यक्ति गौतम बुद्ध की बायोग्राफी का रिव्यू करने जा रहे हैं हम। अपने विचारधारा और ज्ञान के कारण इन्हें भगवान भी कहा जाता था। जी हाँ, इन्हें भगवान का दर्जा भी दिया गया था। आपने आज भी देखा होगा कि लोग अपने घर, दफ्तर, हॉस्पिटल, होटल, मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की फ़ोटो आज भी लोग अपने लगाते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। चलिए गौतम बुद्ध को और अच्छे से समझते हैं मेरे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल बैकबेंचर ब्रो। आपको बता दूं कि ये बायोग्राफी मैं दो लेक्चर में कवर करूंगा। इसका जो पार्ट टू है, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आप। चलिए गौतम बुद्ध के ज्ञान का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं हम एक कहानी के माध्यम से कि इन्हें आखिर सिद्धार्थ बुद्ध क्यों कहा जाता है। आप लोगों को बता दूँ, जो बुद्ध रहे उनका नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ। पर उन्होंने अपने ऐसे विचार और ऐसे कर्म किए कि उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा का समय था। बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वस्ति, उनके जो शिष्य रहे आनंद रहा एक का नाम और एक का नाम रहा स्वस्ति, उनके साथ गुजर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी गौतम बुद्ध से टकराया। मतलब गौतम बुद्ध आनंद और स्वस्ति के साथ गाँव की तरफ जा रहे थे, तो उनसे एक आदमी टकराया और पूछता है, हे बुद्ध, इस धरती पर भगवान है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? तो वह व्यक्ति बोलता है, मुझे तो लगता है भगवान है। तभी बुद्ध बोलते हैं, तुम गलत सोचते हो, इस धरती पर भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं। फिर ये बोलकर बुद्ध आगे निकल जाते हैं। अब उनके शिष्य भी आगे चल देते हैं। और कुछ दूर जाते ही एक व्यक्ति अपना काम छोड़कर देखता है कि बुद्ध आ रहे हैं। तो वह बुद्ध से मिलकर पूछता है, क्या इस धरती पर ईश्वर हैं? तो बुद्ध पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो वह बोलता है, इस धरती पर ईश्वर, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं। तभी बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, इस धरती पर केवल ईश्वर और भगवान ही हैं और कुछ है ही नहीं। इस जवाब को सुनकर उनके जो शिष्य रहे आनंद और स्वस्ति जो साथ में थे, वे आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं होते हैं, अब इस व्यक्ति को कह रहे कि सिर्फ भगवान ही भगवान है। और भैया फिर इतना ही कहकर बुद्ध आगे बढ़ देते हैं। और आगे जैसे ही चलते हैं, उन्हें एक किसान मिलता है जो बुद्ध से फिर से वही रिपीट क्वेश्चन करता है, हे बुद्ध, क्या इस धरती पर भगवान है? यह सुनकर बुद्ध उस किसान को देखते और आंखें बंद कर लेते और मौन हो जाते तत्काल भैया। फिर कुछ समय बाद वह किसान ये रास्ता देखता रहता कि अब मेरे को बुद्ध उत्तर बताएंगे। वह रास्ता देखता रहता, लेकिन वो बुद्ध तो बुद्ध, वो तो आंख बंद करे रहे और मौन हो गए। अब वो रास्ता देखता रहा और कुछ समय बाद खुद ही चला गया। अब जो उनका शिष्य आनंद रहा, उनसे तो भैया रहा नहीं गया और वह बुद्ध से पूछ ही लेते हैं, हे बुद्ध, एक सवाल के तीन अलग अलग जवाब कैसे हो सकते हैं? तब इस पर बुद्ध हंसकर बोलते हैं, जो पहला व्यक्ति था उसने मान लिया था अपने मन में कि भगवान है, तो मैं उसके मन में बैठी इस धारणा को मिटा देना चाहता था कि भगवान है। और दूसरा व्यक्ति मन में मान लिया था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है इस धरती में, उसके मन की भी यह धारणा को मैं मिटा देना चाहता था। और तीसरे व्यक्ति का मैं उत्तर देना उचित नहीं समझा। बुद्ध बोलते हैं, किसी की भी बात का ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना कभी भी भैया। बिल्कुल अच्छी बात हैगा कि कभी भी किसी की बात का आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, ये खुद बुद्ध कहते हैं। वो बोलते हैं, इस पर आप कोई भी अगर कोई बात बताता है तो उस पर रिसर्च करो, तभी तुम उसके निर्णय पर पहुँचोगे। यदि मैं इन्हें बोल देता कि भगवान है, तो वह मान लेते कि भगवान है और इसी विश्वास से वो ज़िंदगी भर जीता। अब जब चूँकि मैंने पहले व्यक्ति को कहा भगवान नहीं है,
तो वह इस बात को आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि वह वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा है और अब इस पर रिसर्च करेगा कि भगवान है कि नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं आगे कि मैं जो भी कहता हूँ, मतलब गौतम बुद्ध बोलते कि भैया जो मैं भी कह रहा हूँ, जो पर्सनली मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, उस पर भी आँख मूंद कर विश्वास नहीं करो, पहले उस पर रिसर्च करो। अगर आप किसी भी बात का विश्वास सुनकर या पढ़कर कर लेते हैं तो आपके अंदर की जो इनोवेशन की क्षमता है, मतलब आपके अंदर जो नवाचार है, कुछ भी नया इन्वेंट करते हैं, मतलब वो इन्वेंट करने की आपकी जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसे में वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप दूसरों के निर्णयों पर आधारित हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका कोई तीसरा व्यक्ति आके बोलेगा भैया, जिससे आप मान लीजिए आपकी कोई रिलेटिव से लड़ाई है और तीसरा व्यक्ति आकर बोल रहा है कि भैया आपका जो वो रिलेटिव है आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था, अब आप सोचेंगे कि मेरी तो उससे लड़ाई है, और आप इस बात को उसके मुंह से जो सुने हैं वो मान लेंगे कि भैया हाँ वो तो बोला होगा ऐसा, और ऐसे में आपके जो मतभेद हैं वो और बढ़ जाएंगे भले ही उसने नहीं बोला हो। तो इस पर आप रिसर्च करें, पता करें कि हाँ यार वाकई में उसने बोला है कि नहीं बोला है। गाइस, ये लेक्चर मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो सॉरी टू से, ये लेक्चर जो अब है दो पार्ट में ना आकर तीन पार्ट में आएगा। थैंक यू, एंड चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।